हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी के लिए भी और आपके ऐसे एग्जाम के लिए जहाँ पे फार्मेसी एक एग्जाम का सब्जेक्ट होता है वहाँ के लिए भी। टॉपिक है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है उनके कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन के हिसाब से, ये आपको आज के इस टेबल से समझ में आ जाएगा। ये जो टेबल है इसका रेफरेंस है केडी त्रिपाठी 8th एडिशन पेज नंबर 103। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, फिर कंपेरेटिव स्टडी करेंगे हम टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के साथ। पहला है ऑर्गन सप्लाइड, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन में ये पाए जाते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम पाया जाएगा आपके स्केलेटल मसल में, और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये आपके ऑल अदर ऑर्गन में पाए जाएंगे। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है, जो कि उठना चाहिए, लेकिन उठते ही क्लियर हो गया होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में वीडियो हमने अपलोड किया है, वो सवाल ये कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम तो कॉमन है दोनों में, दैट मींस आपके जितने भी नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं उनके सिस्टम को, कोलैबोरेशन को, कम्युनिकेशन को हम नर्वस सिस्टम के अंदर समझ सकते हैं। बात आती है सोमैटिक या ऑटोनॉमिक की, तो सोमैटिक का मतलब होता है जो कि आपके कंट्रोल में हो, आप उनके साथ जैसा करवाना चाहें, या यूं कहूं कि आपकी इच्छा अनुसार जो काम करें वो सोमैटिक के अंदर रखे जा सकते हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहने का मतलब है जिनका कंट्रोल आपके द्वारा नहीं हो सकता, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, जिनको जब जब जो करना है वो अपने आप करेंगे, तो ऐसे ही सिस्टम को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। समझने के पर्पज से इसको हम बिगाड़ करके ऑटोमैटिक नर्वस सिस्टम भी समझ सकते हैं, ये सिर्फ समझने के पर्पज से है, एक्चुअल वर्ड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट्स इट। सो कहां कहां पे पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल मतलब जहां पे आपके हाथ पैरों का मूवमेंट होता है, क्या उसके मूवमेंट अपने आप हो जाते हैं, क्या आप सोते रहते हैं और आपकी बॉडी कहीं और की कहीं और पहुंच जाती है, नहीं ना। जब आप बोलते हैं उठो तो अपने आप को उठाते हैं, जब आप बोलते हो अपने आप को चलो तो ये चलते हैं, तो ये आपके कंट्रोल में है, दैट इज वाई ये आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। जबकि हार्ट के बारे में बात कर लीजिए, लंग्स के बारे में बात कर लीजिए, ये आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर आप बोलेंगे कि रुक जाओ तो ये रुकेंगे नहीं, जब आप बोलेंगे फास्ट हो जाओ, फास्ट हो जाएगा नहीं, रुको स्लो हो जाओ, तो ये आपके रुकेंगे नहीं ना ही स्लो हो जाएंगे, दैट इज वाई दे हैव इंक्लूडेड अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वैसा ही अगला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वह है डिस्टल मोटर साइनैप्स के थ्रू, यानी कि मोटर के साइनैप्स जंक्शन जॉइंट पे कहां पे अफेक्ट कर सकते हैं। सोमैटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही ये चीज जुड़ी हुई होती है। जबकि अगर आप बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तो ये गैंग्लिया में, बेसिकली आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड होंगे। फिर हम बात करेंगे नर्व फाइबर की, तो आपने इसको पढ़ा हुआ होगा बी फार्मेसी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के केस में, जिसमें माइलिन शीथ पाया जाएगा वो माइलिनेटेड है, जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाए जाएंगे वो नॉन माइलिनेटेड है। इनका स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सो इन केस ऑफ सोमैटिक ये माइलिनेटेड होंगे, यानी कि इनमें एक माइलिन शीट होगा। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाऊंगा यहां पे, तो ये देखिए इसमें इस तरीके के माइलिन शीट वगैरह पाए जाएंगे। इन केस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके की चीजें होंगी, प्री गैंग्लियोनिक तो माइलिनेटेड होगा, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन माइलिनेटेड होगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद करके रखिएगा, काफी काम आएगा। आगे का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वह पेरिफेरल प्लेक्सस फॉर्मेशन, ये क्या पेरिफेरल प्लेक्सस फॉर्मेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, यही दो चीजों के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस के बीच में हम कह सकते हैं कि जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें ये एब्सेंट होगा, इन केस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, वहां पे वो प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करेंगे प्राइमरी इफरेंट ट्रांसमीटर की, इसका क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने सेशनल एग्जाम में भी दिया हुआ था और हमारे इंस्टीट्यूट के मेन एग्जाम में भी पूछा हुआ था एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि इस सिस्टम का मेन न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि मैसेज को कैरी करने का काम करता है वो है क्या। आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, इफरेंट ट्रांसमीटर है बोलना चाहिए, वह है एसिटाइल कोलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वेयर एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन और साथ में नॉरएड्रेनालिन भी हो सकता है। आखिरी जो कंपेरेटिव पॉइंट है वह है इफेक्ट ऑफ नर्व सेक्शन ऑन ऑर्गन सप्लाई, ये क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से एक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकता है। ये पैरालिसिस एंड एट्रोपिक रिस्पॉन्सिबल है, वेयर एज ये एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए और नो टाइप ऑफ एट्रोपिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनको आपको याद रखना है। फिर भी मेन इसमें से अगर आप पूछेंगे तो पहला वाला ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नर्व फाइबर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें अलग अलग हैं, और फिर ये आपका प्राइमरी इफरेंट ट्रांसमीटर कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, टेक केयर।